नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है टाटा मोटर्स की 1822/69 बस चेसिस। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर डिमांड कर रहे थे इस बस की कि सागर भाई टाटा मोटर्स की बस चेसिस दिखाओ और टाटा मोटर्स में ऐसे आपको क्या फीचर मिल जाते हैं जो बाकी के बस चेसिस में नहीं मिल पाते हैं। आज हम आए हैं चेन्नई में, खासकर पैसेंजर व्हीकल एक्सपो में, जहाँ पर हमें चेसिस खासकर मिल गई। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इसमें आपको मिलता है क्यूमिंस कंपनी का 220 HP का इंजन, और खासकर पहले जो इमेज थी टाटा मोटर्स की वो बदल गई है। बहुत सारे ऑपरेटर्स टाटा मोटर्स पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आयशर अशोक लेलैंड में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, इसमें आपको 6 सिलेंडर इंजन मिलता है। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं पूरा बेयर यहाँ पर शो आता है। यहाँ पर आपको 2 हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, इंडिकेटर लैंप मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर टाटा मोटर्स का क्रोम लोगो मिल जाता है। और ये देख सकते हैं इसकी डिटेल्स, टाटा मोटर्स 1822/69 बस चेसिस। और ये देखिए ये डीलरशिप का नाम, यहाँ पर फ्रंट टोइंग कपलिंग, और खासकर कंप्रेसर को माउंट करने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट बेल ड्राइव है इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कंप्रेसर से। इंजन इंसुलेशन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर इंसुलेशन दिया गया है, और खासकर टाटा मोटर्स की बात ही अलग है। और टाटा मोटर्स के व्हीकल्स में आपको फ्लीट एज, टेलीमेटिक्स, कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ इंजन भी आप देखिए कितने कॉम्पैक्ट यहाँ पर बनाया गया है, मतलब आप इसमें जब 13.5 मीटर बस बनाओगे तो काफ़ी आपको बढ़िया यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग करने के लिए स्कोप है। इस बस के टायर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको मिलता है 295/80 R22.5 सेक्शन के टायर्स, और इस चेसिस में सिर्फ एयर सस्पेंशन पीछे आता है, ना कि फ्रंट में। बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि इसमें एयर सस्पेंशन आता है कि नहीं, देखिए फ्रंट एयर सस्पेंशन मॉडल जो है वो आने वाला है 4 महीने के अंदर। और खासकर इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 41 लाख रुपीज़ तक इसकी प्राइसिंग जाती है, बट ये डीलर टू डीलर डिपेंड करता है कि इसमें क्या क्या आपको फीचर लेने हैं और खासकर आपके यहाँ पर डिस्काउंट कितना चल रहा है। ये इसका बैटरी सेटअप जो है 24 वोल्ट बैटरी सेटअप, और खासकर यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर टाटा मोटर्स का टूल किट मिल जाता है, और काफ़ी चेसिस यहाँ पर हेवी दी गई है। इसका जो प्रोडक्शन है वो लखनऊ प्लांट में होता है, और यहाँ पर है इसका 220 HP का क्यूमिंस इंजन। इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, और खासकर ये टॉप एंड वेरियंट होने के कारण इसमें आपको रिटार्डर जो है वो स्टैंडर्ड मिलता है। इसका जो रिटार्डर है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि बहुत ही फ्रंट में माउंट किया गया है। आयशर और अशोक लेलैंड में आपको यहाँ पर पीछे मिलता है। खासकर एयर टैंक्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेटिक टैंक्स इसमें यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और इसमें कुल यहाँ पर अपर साइड में 3 न्यूमेटिक टैंक्स दिए गए हैं और साइड में 2 है। किट में जो पहले इमेज थी टाटा मोटर्स की वो अभी बदल रही है धीरे धीरे। बहुत सारी कंपनियाँ जो नहीं दे पाती वो टाटा मोटर्स आपको दे रही है, पर खासकर टाटा मोटर्स की बिल्ड क्वालिटी आप जानते ही हैं। ये देख सकते हैं रियर साइड में एयर सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाता है, और ये 13.5 मीटर जितनी भी बचती थी दोस्तों उसका ओवरहैंग कुछ इस प्रकार का होता है, बहुत ही बड़ा ओवरहैंग है। यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील दिया गया है, जो बॉडी बिल्डर बाद में यहाँ पर बॉडी बना के यहाँ पर नीचे फिट करवा देंगे। रियर साइड में आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती है फुल्ली, देख सकते हैं टाटा मोटर्स बस बॉडी बिल्डर का कितना ख्याल रखती है, इस बात से आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के लिए अटैचमेंट दिए गए हैं। ये देखिए रिवर्स पार्किंग सेंसर ही है, बट बॉडी बिल्डर के लिए छोड़ा गया, क्योंकि बॉडी बिल्डर जब बॉडी बनाएंगे तो अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। यहाँ पर इसका स्टॉपर है, जो खासकर एक लोडेड व्हीकल को पार्किंग कंडीशन में रोक सकता है। इसमें आपको पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक मिलता है, जिसकी वजह से रस्टिंग की कोई समस्या आपको नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ पर इसका एडब्लू टैंक, टाटा मोटर्स का एडब्ल्यू टैंक आप जानते हैं, टाटा मोटर्स BS4 से लेकर अभी BS6 में एडब्ल्यू आपको देती आ रही है, जिसकी वजह से इसके जो ऑपरेटर्स हैं उनको एडब्ल्यू की आदत है। बट दोस्तों बाकी कंपनीज में एडब्ल्यू नहीं मिला करता था BS4 में, जिसकी वजह से उनको एडब्ल्यू में शिफ्ट होने के लिए बहुत समय लग गया। अरे डॉक्टर साहब, दंगे कराएंगे क्या आप? और खासकर इसका जो एग्जॉस्ट है यहाँ पर आता है सिगार टाइप। EATS सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। देखिए ये जो शेप है, मतलब जो ऐसा EATS का शेप है एकदम पाइप जैसा है, सिगार जैसा है, और खासकर अशोक लेलैंड की बसेज या भारत बेंज की बसेज में आपको इस प्रकार का मिलता है, जो 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर होता है। एयर इंटेक इसका फ्रंट साइड में आता है, एयर फिल्टर लोकेशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक स्टेप दी गई अंदर चलने के लिए, और खासकर यहाँ पर इसका पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच है, लाइट एंड हैवी मोड के बटन दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट के कंट्रोल दिए गए हैं, साथ ही साथ जनरेशन ऑन ऑफ के कंट्रोल, इंजन ई मोबिलाइजर का बटन, साथ ही साथ यहाँ पर हजार्ड लैंप का कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हिल होल्ड असिस्ट, और यहाँ पर रिटार्डर के साथ साथ इंजन चेक लैंप भी आपको दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही मिलता है जो टाटा मोटर्स दे रही है, बट इसका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत बढ़िया है। ये स्टीयरिंग व्हील बहुत सारे जो ऑपरेटर्स है वो भी पसंद कर रहे हैं। तो सीट की जो क्वालिटी है आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल कुशनिंग की सीट आता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में आपको एकदम हल्का सीट मिलता था, बट ये जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीट है। एडिशनल सीट का खर्चा आपका बच जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों इसके माइलेज के बारे में, जब इस पर बॉडी बन जाती है फुल्ली एसी के साथ, ये गाड़ी ऑलमोस्ट 2.5 to 3.2 का माइलेज आपको देने के लिए सक्षम है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो एक्चुअल लाइफ में चीज की जो एक्चुअल रीडिंग्स है वो आपको बता रहा हूँ। प्राइसिंग जो है ऑलमोस्ट इसकी 41 लाख रुपीज़ तक जाती है, और टाटा मोटर्स पर अभी कई सारे फाइनेंस ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप इसमें बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो और आपकी बस बना सकते हैं। जो चाहे वो बॉडी बना सकते हैं, चाहे आप प्रकाश की बनाओ, वीरा की बनाओ, MG की बनाओ, या आपके यहाँ पर सतलज बनाओ, या कोई राजस्थान में जसवंत इंडस्ट्रीज, बहुत सारी बॉडीज इस पर बना सकते हो। और खासकर राजस्थान की जो जसवंत इंडस्ट्री ने महादेव ट्रैवल्स के लिए बस बनाई है वो इसी चीज पर बनी गई है, जो खासकर चलती है जोधपुर से
से बैंगलोर के बीच में। इसके रिलायबिलिटी पर आपको कोई शक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर बनाई गई है। आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।